1, 2, 3, 4. Hey everyone, what's up? It's Finn, Beach Lad, and Zishu fan. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you will never miss new videos. So, aaj hum karne wale hain react to Honest Reacts. साल हो गया इस कछू कुमे को इस चैनल पे. कल रात को मैं स्नैपचैट देख रहा था, कल रात को मैं स्नैपचैट चला रहा था तो मेमोरीज में तेरी पहली वीडियोस आ गई कि तू आज के दिन पहली बार इस चैनल पे फुड़का था. वो पहली वीडियो भी चली थी हमारी, हमारी पहली वीडियो ही वायरल हो गई थी इसी वजह से. हालांकि नहीं, इस चैनल पे पहले भी तेरे से पहले वायरल थी वीडियो. तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं. आईएस जो व्यूज आए थे वो हमारी वीडियो भी आए. नहीं जी, ये वो तो अब आए हैं, वो अब आए हैं, पहले नहीं थे. ये अभी अभी ये प्रूफ के लिए साथ साथ चल रही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग. अच्छा जी, यहाँ पे मैं नहीं हूँ, ये सारी आपकी अपनी वीडियोस हैं. ये देखो, ये पहले भी चली हुई है 3.4. ये कोई इतने ज्यादा नहीं होते. ये 3, ये 7.8. ठीक हो गया, जो मेरे साथ आएगी ना सबसे हाईएस्ट वन. ये रिएक्शन टू मुंडे लौट दे पे मेरा 7.8K. ठीक है, उसके बाद थोड़े थोड़े गरीबों वाले और गरीब हो गए. फिर बीच में छोड़ दिया था ना, बीच पे चैनल को मैंने. फिर मैंने किया लेजेंड ऑफ मोला जट, लेजेंड ऑफ मोला जट पे 1.3. ठीक है, ये अभी तक ये मेरा चैनल इसके बगैर फुड़क रहा है. ये आया पहले वीडियो पे एंट्री और 7.6 के लेके उड़ रहा हूँ मैं. उड़ रहा हूँ मतलब, ओ भाई, मतलब के सबर लड़का नॉट कमिंग स्लो. सबर कर, ये जो इसने, ये एक तो हम ट्रेंडिंग मूवी भी बहुत अच्छी थी वो भाई, जो भी, लेकिन उसका ट्रेलर अच्छा लगा था हमें. ट्रेलर अच्छा लगा था, ट्रेलर चला गलते बन गई ना, गलते बन गई. उसके बाद अगली वीडियो में मोटू आया था अपने साथ, फिर 1.6 गिर गया. अच्छा, अभी हम ये ऐसे नहीं करने वाले कि साथ साथ देखने वाले, हम अभी मेमोरेबल अपने ट्रेलर्स के ऊपर ही बात करेंगे. जो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा था ना इसके साथ, वो था वॉर मूवी का ट्रेलर. वॉर मूवी मैं लाहौर था जिन दिन, असल में ना पहले मैं लाहौर होता था ऑल द टाइम, तो मुझे ये मैसेज करता था नबील भाई ये मूवी का ट्रेलर बता चुके हैं अपने. लेकिन ये स्पेशल है ना, ये स्पेशल है. इसका जो मैं बताता हूँ, इसका जो छोटा भाई है ना वो मेरा बहुत अच्छा जिगरी दोस्त जिगरी है. तो ये जो है बंदा, इसका फैन था थोड़ा, नहीं बहुत फैन था. मैं तो मैसेज करता होता था कि भाई मैं ना आपके साथ दूर दूर. वो नहीं समझना, मैं इसको कहा भाई यार मैं भी इस चीज में इंटरेस्ट हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे प्लीज अपने साथ रख लो. तो मिस टाइम में मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, एक टूटा हुआ सा मोबाइल होता था मेरे पास. मैं कहा मेरे पास कोई ससरी नहीं है. तो ये वो बंदा जिसने मुझे कहा था कि मेरी निकल फुर्सत में निकल चल, मैं सही बता. तो इसने मुझे कहा ठीक है भैया आप आओ मेरे साथ वीडियो बनाओ, हम बनाते हैं. मेरे मेरा सामान तुम्हारा सामान एक ही सामान. जब अब तो मैंने साइज घर में मेरे स्टूडियो में हिस्सा मांगता है. अच्छा खैर वो छोड़ो, कंधा पता नहीं सामने भी मिलना है. अच्छा उसके बाद जो मैंने चल मेरा पुत और इट का ट्रेलर दिया वो मैंने लाहौर में रिकॉर्ड किए हुए थे जब. ठीक है, वो मैंने बाद में लाहौर चला गया था. ये लाहौर पहले गया हुआ था तो आ गया था, मैसेज कर रहा था कि हम वहाँ पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे तो वहाँ पे इसको बुलाते थे. अब होते ही ना अब तो कोविड हो गया. अच्छा उसके बाद हमने सायरा नसीमा रेड्डी का ट्रेलर पे रिएक्शन किया था, शुगर सही लगाया था. ओ भाई उन्होंने भरी ऐसी की, लोगों ने ऐसा जलील किया है ना इस ट्रेलर के रिएक्शन में. कुत्तों नहीं बल्कि हमारी उसमें भी पड़ी हुई थी साहू के ट्रेलर में. उमर ने बोला था इंडिया में वॉशरूम नहीं है. ओए होए 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 मामले तब भी बोल दिया था उमर. उमर चुप कर जा गया भाई, तो ऐसी कुत्तों वाली की ना उसके बाद. अच्छा सायरा नसीमा रेड्डी में तो हमें तमिल लैंग्वेज में गालियां पड़ी थी. फिर उसके बाद टीजर पे रिएक्शन किया था उस पे भी. फिर उसके बाद पाकिस्तान रिएक्ट टू हाउसफुल 4 पे हमने रिएक्शन किया था. हमने रिएक्शन भी शुगल किया था और ट्रेलर भी अच्छा लगा था. अच्छा था और 8.48K. यार व्यूज की बात नहीं करो, मैं करूँ शुरू में. अभी तो मेरी दूसरी तीसरी वीडियो और मैं देखो हर वीडियो पे मेरे 1000 से नीचे किसी वीडियो. अच्छा चल 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 चल. फिर उसके बाद हमने लाल कप्तान का ट्रेलर रिएक्शन किया था, मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी. उसके बाद मरजावा के रिएक्शन किया था हमने. फिर आ गया सायरा नसीमा रेड्डी ट्रेलर 2, सही शुगर लगाया हमने. यार वो था ही ऐसा ट्रेलर, लकड़ी की दीवारें तोड़े थे, पहाड़ी की दीवारें तोड़े थे. फिर उसके बाद पागलपंती, खुश हो रहा ना हो जाओ, कुछ कर लो. पागलपंती का ट्रेलर रिएक्शन किया. फिर आई भाई लेजेंडरी एपिक्री दबंग 3 फिल्म फारक थी. ट्रेलर में पैसा बड़ा छापा है हम लोगों ने. ये है ना दबंग 3. लेकिन जान मारो मुझे मारो, ये मेरी मेरी वजह से उठी थी.
बिल्कुल नहीं, असल में ये पता है रिएक्शन उठते हैं टाइम क्यों, रिएक्शन उठते हैं थंबनेल की वजह से, थंबनेल की वजह से लड़की अच्छी टिकरी सी लड़की का मुंह आपकी आपकी वीडियो टिप दे रहा हूँ मैं आपको, आपकी वीडियो जैसे भी है थंबनेल आप टोनी लगा दो आपकी वीडियो उठ जाएगी। उसके बाद जनाब हमने किया था कमांडो 3 का। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जब दबंग का रिएक्शन आया था ना, जब हम देख के फारिग हो गए, एटीट्यूड हो गई थी, पोस्ट हो गई थी, तो ना इसका मुझे एक मैसेज आया था यार 1-2 हजार उसके ऊपर आ गए। उसके बाद इसका मुझे कोई मैसेज नहीं है, मैंने खोला, जब मैंने खोला ना तो मैं सो गया था कट्ठे 15। मैं बताता हूँ स्टोरी, मैं स्टोरी सुनाता हूँ, मैं स्टोरी सुनाता हूँ। दबंग का ट्रेलर आना था दोपहर को 2 बजे। इसको फोन किया उमर को, लेके आ जा यार हम लोग शहर में है 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट शाम को 6 बजे हुए हैं और उमर फिर भी नहीं आया। मैंने कहा ठीक है जान दो, रिकॉर्ड किया पोस्ट किया, मैं सो गया क्योंकि मैं जाग ही रहा था इस ट्रेलर को रिएक्ट करने के लिए, सो गया। उसके बाद इसका आ मुझे ना उसके बाद मुझे पहले इसका फोन देखा था यार वीडियो अच्छी उठ रही है लगता है उठ जाएगी 2-5-6 हजार आ जाएंगे। मैंने चलो ठीक है अल्लाह खैर करे। अच्छा थोड़ी देर बाद ना इसका मुझे मैंने कहा मैं देखूं तो सही दबंग मूवी है सलमान खान साहब की है तो सुलमून भाई मैंने वो देखा 17 हजार कोई माने से फोन खड़काया। मैंने कहा भाई टॉप पे जा रही है वीडियो, सो रहा था ये पता है। मैंने कहा यार वीडियो अच्छी जा रही है, मैंने कहा 17 हजार ना कर मैं भी देखता हूँ ना कर ये पागल, ही इज गोन क्रेजी नट्स या तो कहता वाकई में और वाकई में। फिर मैं थोड़ी देर बाद 20 हो गए 21 हो गए 22 हो गए फिर रुक गए 1000 पे मैसेज करूँ, फिर 37 पे आ गए 35 पे आ गए हो गए, उसके बाद 2000 ये अभी 2 साल 1 साल में आए। उसके बाद हमने कमांडो 3 का रिएक्शन किया, फिर उसके बाद हमने फरक हमने किया था ये बाईपास रोड पे भी हमने शुगर अच्छा लगाया था। बाईपास रोड फिर उसके बाद हमने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बाईपास रोड के बाद हमने 3 महीने की ली छुट्टियां, 3 महीने की हाँ तो 3 महीने के लिए छुट्टियां बिकॉज ऑफ सम रीजन सम टेक्निकल केस हो गया था असल में हमारे ऊपर हम लोगों ने ज्यादा बिस्ती कर दी थी तो हमारे चैनल के ऊपर चलो यार, लेकिन कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से यार सीधी बात है ज्यादा बोलो ना किसी के बारे में तो लोग गुस्सा कर जाते हैं फिर आप पे पर्चे पुर्चे हो जाते हैं। खैर उसके बाद हमने काम शुरू किया ऑनेस्ट रिएक्शन इज बैक, वीडियो डाली 7-3 महीने बाद। फिर हमने अगला रिएक्ट किया था अक्षय कुमार की किसी जर्नी के ऊपर, खैर उसके बाद मेमोरेबल ट्रेलर कौन सा और यार ये क्या नाम है इसका शुभ मंगल ज्यादा सावधान पे भी बहुत गालियां पड़ी थी याद नहीं जिसमें हमने बोला था कि अच्छा इसके बाद ना हमारी जो रेटिंग है ना वो डिसलाइक की यहाँ पर आ गई थी लाइक की यहाँ पर आ गई। हाँ डिसलाइक ज्यादा होते थे और ये मैसेज करके कहता था यार कसमों के मुझसे लाइक तो बराबर तो रखो यार एटलीस्ट लाइक्स को। अच्छा उसके बाद ना हमारा जो क्या नाम है उसका वो जो ट्रेलर था ना हमने किया शुभ मंगल ज्यादा सावधान जिसमें वो गे किस होती है, हम लोगों ने बोला था कि भाई हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो जो हमारी शुरू हुई है भाई अनकंफर्टेबल तो हम लड़का लड़की के किस देख के भी हो जाते हैं, हम लोग थोड़ी ही वहां है यार अब हमारा कल्चर वैसा नहीं है कि सड़क पे लड़का लड़की कर रहे और हम देख के हम गुजर रहे हैं ये ठीक है जब हम बाहर चल जाएंगे तो उधर हम कर लिया करेंगे उधर का देख के गुजर जाएंगे वो बात सॉरी। उसके बाद ही हमारे चैनल पे पहली दफा आए थे शेरू ने किया था हैक्ड मूवी पे रिएक्शन और शेरू बड़ा खुश क्योंकि उसके बचपन की क्रश थी इस फिल्म में। उसके बाद हमने किया था भाई पूरे ग्रुप के साथ पूरी प्रोडक्शन के साथ आए थे हम लोग पूरे फुल पार्नर और वो हमने किया था मलंग मूवी का रिएक्शन। उसके बाद फिर क्या नाम है तानाजी अनसंग वॉरियर चलता रहा एक बंदा करे हुए फिर हमने तैयार हो गाने पे ये तैयार हो ये वाला ये वो पाकिस्तान का वो जो गाना था आई अच्छा, पीपीएल का जो भी है। उस पे हमने किया फिर उसके बाद पाकिस्तान रिएक्ट टू नॉट लास्ट चैलेंज ये लेके आया था ये लेके चैलेंज का कीड़ा किसको चढ़ा था उसकी जरा स्टोरी सुनाओ चैलेंज की। ऐसा हुआ था मैं इसको कहा था यार देख सी बात है वैसे तो व्यू आ नहीं रहे इतने खास आजकल ना लोग टिकटॉक और ये चैलेंजेस पे दे रहे हैं टिकटॉक पे तो मैं माना नहीं
हाँ टिकटॉक में इसलिए नहीं माना क्योंकि यार हम उधर की उधर ही फसल है, हम उधर ही बंदों को देख के क्या फायदा। फिर भी हमने बनाई एक आधी बना ली तो ना भाई जान। फिर मैंने इसको कहा यार मैं चैलेंज लेकर आ रहा हूँ, तो वो करते हैं 10 मिनट का चैलेंज है। अच्छा। मतलब नोट टू लास्ट चैलेंज है वो किया। मैं ले आया हूँ ये कई नोट टू लाफ नहीं है, नोट टू वो चैलेंज है कि ये कितने खतरनाक काम करे हमने बीच में 3-4 मिनट करके क्योंकि वीडियो इतनी फारक की ना हम लोगों ने फारक किया इसको। यार बंद उसके बाद आया था फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का ट्रेलर। हाँ, उसके भी अच्छे व्यूज आ गए थे और वो फिल्म भी यार काफी एक्साइटेड थे देखने के लिए, कोविड की वजह से रह गई। फिर आया था थप्पड़, उस पे तो हमारा क्रू और बड़ा हो गया था, उस पे तो हम लेकर आए थे पूरी प्रोडक्शन। थंबनेल देखे हालांकि ये उस इसके थंबनेल की फनी था, ये उस फिल्म का सीन भी नहीं है, ये किसी और फिल्म का सीन डाला होगा। ऐसे लोग व्यूज खाने पड़ते हैं भाई, व्यूज खाने पड़ते हैं। फिर हमने किया था गेस द बॉलीवुड सॉन्ग चैलेंज, ये तो बाय दी क्या है बाय इट गेस द मूवी क्या है गेस द बॉलीवुड मूवी बाय द सॉन्ग, ये हमने चैलेंज किया था, ये मैं जीत गया था। फिर ब्लैक विडो आई उसके बाद ये कौन सा ट्रेलर हमने मर जावा का दिया, ये वो तो नहीं है। हाँ मर जावा का नटशेल किया था, हमने योगी बाबा की पहली वीडियो देखी थी, ये मर जावा का नटशेल ठीक है, अच्छी गई थी और अच्छी गई थी। और बाद में क्या योगी बाबा ने रिएक्ट कर दिया हमारे ऊपर सही, यानी कि योगी बाबा ने सही रोस्ट किया था हमें। उसके बाद फिर हम रिएक्ट टू गेस्ट और फिर हमने भी रिएक्ट किया था, फिर मैं मोजी वाले लेकर आना क्या, ये असल में ना इसको कीड़े होते थे कि मेरा भी चैनल में इनपुट होना चाहिए। फिर हम लेकर आए थे बागी 3 जिसके ऊपर इसको भी क्रिटिसाइज में बहुत किया था कि भाई ये बागी 3 है तो क्या ये स्टंट हो रहे हैं वो, और लोगों ने भी बहुत मोहब्बत दिखाई थी। फिर उसके बाद आई थी जी, फिर हम ले रहे पाकिस्तान रिएक्ट कैन यू गेस द सॉन्ग 2019, उसके ऊपर तो बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन आ गई, बहुत प्रोडक्शन और व्यूज भी अच्छे आए हुए, व्यूज भी अच्छे। फिर उसके बाद टिच पटन का ट्रेलर, पाकिस्तानी मूवी, ये कौन सी, अच्छा ये वांडा विजन का ट्रेलर आया था। फिर आया था भूत का ट्रेलर, उसमें सुहेल दी ग्रेट साहब भी ऐड हो गए थे, वो आपको याद होगा थम्स अप ऐसे कम कैमरे के पास उनका पता नहीं, वो अभी भी मैंने थोड़े दिन पहले भी डाली उनका एक वीडियो। फिर उसके बाद ये फेवरेट इसका सॉन्ग क्या था, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, रो ही जाता है, बहुत रोता था, कैसा लगता चीखता रहता था, गानों पर रिएक्ट करना है। पाकिस्तान रिएक्ट टू इरफान खान लास्ट हार्ट वार्मिंग में जो आया था उसका वीडियो का कोई वीडियो आई थी और वो ये वाकई लास्ट रह गया मूवी के पहले उसने कुछ बनाया और ये वाकई उनका लास्ट मैसेज ही हो गया लाइफ का। फिर उसके बाद हमने फ्री गाए इस पे भी गालियां पड़नी, फ्री गाए पे रिएक्ट किया था, ये भी अच्छी मूवी, ये भी नहीं आई। फिर अंग्रेजी मीडियम का ट्रेलर आ गया, फिर उसके बाद आ गया वंडर वुमन आ गया, ये सारे फिर हमारे स्लोमो चलते रहे। फिर बागी 3 का आ गया, बागी 3 का गाना था, ये गाना आ गया था कोई श्रद्धा कपूर। फिर आई थी वो हमने किया था ना उस पर टिकटॉक पर रिएक्ट, आदिल के टिकटॉक पर रिएक्ट किया था, क्या सीरीज का नाम था आदिल के टिकटॉक पे, हाँ उसमें बड़ी अच्छी नहीं आई थी वो स्टोरी, कोटा था कोई पता नहीं, नहीं कोटा नहीं मुंबई से पता नहीं क्या, काफी अच्छी थी। उसके आगे भी करने थे हमें, टाइम ही नहीं मिल पाया, रमदान बिजी बीच में, इसलिए समटाइम मेरे सोलो भी आते हैं क्योंकि मसरूफियात हो जाती है। खैर उसके बाद फिर ये जहाँ मेरे घर आया तो मेरे कजन भी फड़ ले, वो फड़े नहीं वो चीख रहे थे चल मेरा पुत टू का ट्रेलर आया, ये लोग रो रहे थे, इसके कजन रोते हैं बेसिकली। मैं इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ लेकिन सबको पता है कि उन्हीं में देखने को मिली, इसके कजन रो रहे थे। अच्छा इसकी क्या नाम है, इसका मैं फनी एक स्टोरी सुनाता हूँ। चल मेरा पुत आई ट्रेलर, मैंने इसको बोला मैं देखने आ रहा हूँ तेरी तरफ देखते हैं आज। अच्छा इसके कजन आगे कहते नबील भाई हमें भी ले लिया करो वीडियोस में, मैंने ले लिया। अब पूरी वीडियो में ना वो सुमन बुकबुन बन के बैठे हैं, मैं घर आया पोस्ट करके, मेरे घर वाले देखते हैं वीडियो, तो मैं घर आया मेरे चाचू कहते ये साहब क्या बैठाए हुए हैं, तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने कहा अच्छा पहले मैं भी नहीं बोलता, हाँ पहले ये भी नहीं बोलता, इसको भी बोलना सिखाया। और ये मतलब मैं कैमरा शाय नहीं था लेकिन मैं हॉर्लिक वो शोर्लिक मूवी हॉर्लिक, हमने नई चीज निकाल दी मूवी हॉर्लिक, मैं बहुत बड़ा मूवी हॉर्लिक हूँ। खैर उसके बाद फिर लेकिन एक चीज थी एक हकलाता भी था थोड़ा सा, वो तो अब शुगर में करने लग गया लेकिन पहले रियल में करता था, ये हो जाता है हो जाता कोई मसला नहीं। खैर फिर उसके बाद हम अली जफर के आगे रिप्लाई पे था कोई पता नहीं क्या था, फिर हम अली जफर का फटा शुरू हुआ था सूर्यवंशी पे आ गए, फिर वापस वहीं पे आ गए सूर्यवंशी का मैं टीजर ट्रेलर क्या
फिर पाकिस्तानी रिएक्ट ऐद वफा का आया था कोई ना फनी पार्ट नहीं नहीं ट्रेलर आया था लास्ट ट्रेलर आया था लास्ट एपिसोड का ट्रेलर आया था वो हम लोग उसमें भी बड़ी गालियां पड़ी हैं कह रहे थे एपिसोड नहीं है ये एपिसोड ही थी एपिसोड है हमने कहा था शायद ये फिल्म बना रहे हैं शायद पूरा ट्रेलर दिखाया तो क्या पता फिल्म टाइप बना रहे इसका जैसे लेकिन अच्छा बहुत अच्छा फिल्म उसके बाद ये आई थी ना क्या उसके बाद ब्लड शॉट आई थी फिर उसके बाद मेला लूट लिया मेला हमने लूट लिया जज के दास किया खेल खेल में एक जीवन है जिया इस पे हमने वीडियो भी बड़ी अच्छी बनाई थी यार हमने पता क्या किया था हमने क्रिएटिव वीडियो बनाई क्रिएटिव वो उससे भी अच्छी चली गई थी लोगों ने कॉपी मारी थी नहीं मैं बता तो क्या हुआ हमें पता क्या करना चाहिए था हमने क्रिएटिव बना ली अपने लिए हमें उसमें ये भी चाहिए था कि तुम अपना एक ही जगह पे खड़े होके करके सेंड कर देते उसको एक मैप नहीं कर देते क्योंकि उसने तो लेना ही इतना सा पार्ट है हमने पूरी वीडियो हमें इतनी अकल नहीं आई कि उसने इतना सा पार्ट लेना और हम पूरे की बना के अलग अलग शूट ले हमने हमने लायरपुर गैलरी आगे बोले हमने बेसिकली जैसी मेन वीडियो बनी थी ना वैसे हमने हमने पूरा एक क्रिएटिव काम कर दिया हमें इतनी अकल होती है कि हम उस टाइम अपनी अपनी सिंगल की बना के करते क्या तो उसमें से ले लेते चलो खैर वी आर क्रिएटिव हमने उसके बाद आई भाई सूर्यवंशी ये मूवी नहीं आई नहीं ये भी नहीं आई ये भी बहुत अच्छा ट्रेलर था और केस पे हमारे सबसे ज्यादा अब तक की मेरे ख्याल नहीं ये बताना नहीं सब हाईएस्ट व्यूड थी अभी यानी कि टॉप नहीं है नंबर वन पे मतलब नंबर वन पे नहीं है लेकिन है। फिर उसके बाद मैंने योगी बाबा का नटशेल किया था एक और ऐसे चलते रहे उसके बाद चलते रहे काफी देर तक काफी देर चलते रहे नीचे रखना थोड़ा इधर रखता आगे हम बीच में ना उसके बाद हमने उसके बाद व्यूज खाने आना इसने मेरे साथ कर लिया होता फिर इसने इसके अपने भाई बहन और अहमद तो देखते होंगे जो पाकिस्तानी बीबी का वाइंस आप लोग कहते हैं वायरल हमारे चैनल से हुआ था तो इसने फिर उस पे सूर्यवंशी पे उनको दिखा के ट्रेलर दिखाया फिर उस पे भी गालियां खाई मैंने उस पे बहुत गालियां पड़ी मुझे फिर चलते रहे चलते रहे चलते यार मुझे ना इसका ट्रेलर बड़ा मेमोरेबल है मुझे अच्छा लगा था क्या नाम है देवी काजल रॉयल स्टार स्टैच देवी का ट्रेलर देखा था हमने काजल का वो भी काफी इमोशनल था उसके बाद फिर हमने एमी वे के इसने शुरू कराई इसने कहा कि एमी वे के गानों पे हमने ना जो इनका डिस्ट्रैक और ये सारा फटा चला था उसके साथ रफ्तार से कहता वो देखना तो फिर वो हमने देखना शुरू किया था क्या चलते 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 हमारी स्टोरी चल रही है यहाँ पे आप हमें देख रहे हैं जनाब ये देखेंगे भी हमारी वीडियोस आ रही है फिर हमारे हमने ऐसे ही सॉन्ग वगैरह पे शुरू कर दिया लेकिन सॉन्ग पे भी अच्छे खासे व्यू आ जाते हैं फिर हमने आगे पाकिस्तान रिएक्ट टू जफर जरार जरार पे हमने व्यूज खाए थे इधर कोविड आ गया हुआ था जरार पे नहीं व्यूज खाए थे फिर हमने खाए थे भीम फॉर रामा राजू हाँ इस पे भी आर पे हमें बहुत किया था कदम राणा फैंस ने हमें बहुत जलील किया था क्योंकि हमें पता नहीं ना इसका आर आर पे बहुत जलील हुए थे हम जॉनी सिंह के साथ वीडियो बनाने लग गया इसने बोला था जॉनी भाई का तो मैंने डाल दिया थंबनेल में फिर हम क्या टिकटॉक कंप्लीशन देखो मैंने कहा था कि यार हम टिकटॉक पे रहते हैं तो ये मान नहीं रहा था लेकिन जब हमने दी तो फिर उसके ऊपर व्यूज भी आए ये टिकटॉक वाली नहीं है ये है मीम्स है बेसिकली लेकिन वो टाइटल में टिकटॉक हमें डाला हुआ है ये हमने मीम से ये हां जी वो जो सही अबे चल बब वही वाले हैं अभी भी इस पे व्यूज आते हैं हां ये अच्छी थी क्या चलता रहा आप देख रहे हैं काफी अच्छे गए मैं कर रहा हूं ना ये देख उंगली रखी हुई ये इस पे भी अच्छे हैं क्या आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे हमारे नीचे ये देखें चलते जा रहे हैं ये मोबाइल में से खराब है ये आ गया ये फिर ये देख योगी बाबा ने हमारे वीडियो पे रिएक्शन टू रिएक्शन पे रिएक्शन असल में योगी बाबा ने हमारे चैनल पे रिएक्ट किया तो हमने उसके रिएक्शन पे वापस उन्हीं बंदों के साथ और एक बंदा एक्स्ट्रा डाला था हमने हारिस लेके आए थे हम इसमें हमने कहा था चलो हम एक प्रोडक्शन में बंदा और डालेंगे तो हारिस टाइम मेरे ख्याल से नया नया था हमारे फिर जनाब साहब हमने जो एक रिएक्शन किया क्या इस पे इतने व्यूज तो नहीं आए लेकिन उसके अंदर हमारी प्रोडक्शन सबसे बड़ी प्रोडक्शन अब तक की थी उसमें सिर्फ अली नहीं था बस अली था वो चला गया था हाँ उसको कोई काम था उसके लेट हो रहा था अहमद भी था वो भी दोनों चले गए थे वो होते तो फिर तो बंदे असल में ना ये वीडियो में जगह थी ही नहीं बंदा खड़ा करने की तो हम लोग थिएटर से हम लोग अपने स्टूडियो से भी बाहर चले गए थे
आउटडोर बनाया हमने चलती जा रही है, फिर थोड़ा सा डाउन हो गया था काम हमारा, काम भी असल में कोविड का भी सीन आ गया, मिल भी नहीं रहे थे हमने काफी अरसा नहीं बनाया। मैंने जितनी वीडियोस थी वो पहले की बनी हुई थी, पुरानी उठा के बना के डाली जा सके, लेकिन मिल नहीं रहे थे। सोलो भी मैंने फिर बनाई बीच में क्योंकि मजबूरी हो गई थी, फिर मरियम को लाया, मरियम के साथ काम शुरू हो गया, मरियम के साथ वीडियोस बनाने लग गए भाई साहब, उसमें भी खैर मेरी जितनी जल्दी उठ सकती थी पता, लेकिन उठी एक उठी अगले दिन यूट्यूब ने उठा दी। देखिए ये थोड़ा सा काम हल्का है, यहाँ पे हम इसको इग्नोर करते हैं। नहीं बल्कि तेरे साथ उठी थी यूट्यूब वाली, वो वाली कैरी मिनाटी वाली। हाँ वो कैरी मिनाटी का भी चल गया था, लेकिन कैरी मिनाटी ने रिप्लाई बहुत अच्छी किया था। एक कहानी है जो सब पर सुनानी है, जलने वाला की तो जान भी चला, जान भी चला। फिर उसको मैं कल सुन रहा था यार, वो आया नहीं, वो आया नहीं उसका जलगार वाली, वो कहाँ हुई थी। फिर भाई साहब इसको उसके घर वालों ने निकाल दिया इसका, फिर ये गया था, ये अलगार वाला सीन की तरह ये हो चुका हुआ है, इतना ऊपर भाग गया कोरोना, इग्नोर मार दिया, इतने ट्रेलर मिस करा गया। यहाँ पे ये मरियम के साथ हमने बनाई थी, उसके बाद हमने अलगार पे हम दोनों रिएक्शन दिया, वायरल तड़ा तड़ा व्यूज आ रहे हैं अलगार पे, व्यूज व्यूज व्यूज, अगले दिन वीडियो वायरल, अगले दिन वीडियो पारक, कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट वार्निंग आ गई, वो अभी भी चैनल पे है, उस पर मेरे ख्याल से 60-70 हजार व्यूज आ गए थे, अच्छी चढ़ गई थी वो वीडियो, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं थे, सबर कर। मुझे नहीं थोड़ा नीचे रखना, फिर बहुत ऊपर रख रहा, थोड़ा मुंह अपना सीधा रख। फिर उसके बाद मरियम के साथ फिर हमने बीच बीच में वो मिशन कह रहा हूँ वो भी करते रहे थे, गैस दिस मोजी, गैस दिस, वो फन के लिए हम लोग करने लगे, मजा आने लग गया था हमें। फिर मैं कराता था, मैं जीत जाता था, जीत जाता था बिल्कुल। फिर मरियम के साथ बनाई मैंने यलगार, इसको मैंने फोन किया, मैंने कहा आजा, कहीं था मसरूफ था, ये कहता नहीं यार मैं ये वो तुम देख लो। मैंने फिर मरियम गेड़े वो कराते हैं ये सारे। फिर मरियम के साथ मैंने यलगार के ट्रेलर पे, यलगार सॉन्ग पे रिएक्शन किया भाई, थोड़ा अभी तक चैनल की टॉप ट्रेंडिंग वीडियो में है वो। खैर वीडियोस फिर बनती रही, फिर मरियम के साथ काफी वीडियोस बनी क्योंकि मैं उन दिनों में असल में ना इसको गुप्त रोग हो गया था, तो ये गुप 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 गुप्ता जी गुप 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 गुप्ता जी गुप 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 गुप्ता जी हो गए थे ये। अच्छा चलो, उसके बाद जनाब साहब फिर मैं कहीं गया, मैं घर ही था, कोविड मैं हमारी लड़ाई भी हुई है, हमारी लड़ाई हुई एक बार, तो एक बार हुई थी, एक दफा थोड़ी बहुत एक दफा बहस हुई थी, मैंने इसको फिर चिपड़े चिपड़े कराई, फिर फौरन ही माफी मांग ली थी इसने। मेरे साथ पता क्या हुआ था, मैं गया था रहीम यार खान डेथ पे अपने कजन के, बहुत ही करीबी कजन, यंग, इनके जितनी उम्र थी उनकी, तो अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे, हैदर उनका नाम है, तो उनकी डेथ हो गई थी, हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था उस टाइम, क्योंकि जवान डेथ और माशाल्लाह बहुत प्यारे थे वो, तो उनकी डेथ पे गया था। फिर वहां से आके मैंने अपने आप को क्वारंटाइन किया था 2 हफ्ते के लिए, मतलब 15 दिनों के लिए मैंने खुद अपने आप को क्वारंटाइन किया था, क्योंकि वहां पे लोग थे, मास्क पहना हुआ था, ग्लव्स पहने हुए थे, लेकिन फिर भी सबकी हिफाजत के लिए मैं घर से भी नहीं किसी से मिल रहा था, मतलब ठीक है खाना वाना सबके पास थे, लेकिन दूर दूर मैंने डिस्टेंस खुद रखा हुआ था, जरूरी होता है। फिर उसके बाद यार चलती रही है हमारी वीडियोस, काफी अच्छी भी चलती रही, बीच में अपसेट डाउन अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं ना, ये फील्ड है। मैंने अकेले में भी काम किया और बीच में फिर ये वापस आना शुरू हो गया, फिर मैं वापस आ गया, फिर मैं अपना वो पूरा करके ना क्वारंटाइन वापस आ गया था, वैसे कहा था कि यार अब काम ठीक है, मेमोरेबल टाइम हमने गुजारा है काफी, आज एनिवर्सरी थी तो आज हमारी मेरी एनिवर्सरी, आज वो इमरजेंसी में मुझे पता नहीं था आज हो गई एनिवर्सरी, असल में मुहर्रम पे चल रहे हैं तो हम ज्यादा कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, वैसे भी सी कमाया की है तो खैर ये सिल्वर प्ले बटन इधर इसका नहीं है, ये इस चैनल का नहीं है, मैं पहले बता दूं ये मेरे मेन चैनल का है, सिर्फ कमरे में लगाया हुआ था। खैर लास्ट वीडियो जो हमारी 17 घंटे पहले अपलोड हुई है उस पे व्यूज आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे आना के स्पोर्ट दें, दोबारा काम शुरू किया, इसके पहले भी रुक गया था हमारा काम, अभी भी बीच में हम लोग ब्रेक लेते रहते हैं 3 महीने, ये हमने पूरा साल, ये जर्नी है हमारी, ये हमने पूरा साल पूरा टाइम ऐसे काम नहीं किया, हम लोगों ने बीच में पहले 3 महीने का ब्रेक आया है, लेकिन बात वहीं पे ही है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना कि मुझे 5-6 महीने की पेन हुई, अनमोल तुमने मेरे से चीजें सीखी उसका क्या, इसने मुझे सिखाया बात करना, क्या बोलने लगा मुझे, इमेजिन करो वो भी सिखाया मैंने नहीं ये हमारा जो कमरा ना ये असल में स्टूडियो है,
इसकी हमारी बहुत सारी यादें इस कमरे की, इसमें बहुत सारी अपडेट्स भी की हैं हम लोगों ने, लेकिन भाभी जी घर पे बिहाइंड द सीन जो है हम लोगों का बड़ा फनी था। आपको ऐसे बता देते हैं, आप सबको पता होगा भाभी जी के क्या सीन है, मतलब यूट्यूब पे जो सीन चल रहे हैं उन दिनों में ना, बड़ा वो चल रहा था ट्रेंडिंग में, भाभी जी आ रही थी रोज, तो लोग पार्ट पे बनाते थे, पार्ट वन भाभी जी ये कर रही है, भाभी जी वो, हम लोग शुगर में ना 50 भाभी जी रिटर्न, भाभी जी डॉक्टर घर पे है, हमारा पेट, भाभी जी देवर की। अच्छा मैं आपको बता रहा था, बस मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा ये सेटअप है ना, जितना इस एरिया में हम खड़े हैं, अगर इसके अलावा हम आपको पूरा अपना स्टूडियो दिखा दें तो वो कबाड़ बना हुआ है, अद्यते ओनली सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि पता है क्या प्रॉप्स इतनी पड़ी हैं, प्रॉप्स ही प्रॉप्स है पड़ी इधर, लेकिन सून थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए, सर्दियां आ जाए तो हम सोच यार गर्मियों की वजह से भी हम लोगों का काम थोड़ा रुका हुआ था, लेकिन अब इंशाल्लाह सून हम लोग मौसम अच्छा हो रहा है, थोड़े से भट के साथ थोड़े से ये भी आने शुरू हो जाए तो फिर हम थोड़ा सा सितंबर चल जाए, बर्थडे भी आ रही है मेरी सितंबर में, तो सितंबर को मैंने गायब होना, मुझे याद करा देना नहीं तो गिफ्ट मांगेगा ये, और मैंने इसको गिफ्ट और सरप्राइज दिया था इसकी बर्थडे पर, मैंने एक व्लॉग बनाया था और फिर मैं उसके एक बार मैंने उसका नाम रखा था, एक दिन नबील शहजाद के नाम नाम के साथ था, असल में मेरे ना दूसरे व्लॉगिंग चैनल में मेरी एक सीरीज चलती है एक दिन नबील शहजाद के साथ, लेकिन इसे हमने गेड़ा दिया उस दिन, क्या गेड़ा, खाना ही नहीं खिलाया, खाना उस दिन था ही नहीं कोई प्लान, बर्थडे के अगले दिन नहीं किया था, दोबारा नहीं बनाया था तुझे, दो व्लॉग बनाने थे ना, चलो यार काफी यादें हैं। नहीं अच्छा बताओ सीखा क्या क्या, ऑनेस्टली मैंने सीखा ये है कि भाईजान मतलब कैमरे के आगे खड़ा होना मुझे आगे, मतलब पहले भी मैं करता था क्या खड़ा करना, खड़ा होना अच्छा, बोलना आ गया, कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया, बात करना ज्यादा आ गया, क्योंकि पहले मैं इतना बोलता नहीं होता था और अब मैं इतना ज्यादा चुप नहीं करता हूँ, तो खैर फिर भी ज्यादा यही बोलता है क्योंकि नॉलेज मूवी हॉर्लिक्स है ये। उसके अलावा जो मैंने यहाँ पर आके सीखा है वो ये सीखा है कि प्यार सीखा मैंने यहाँ से, मुझे यहाँ इस घर से बहुत प्यार मिला है, हर एक बंदे से मिला है, इनके पप्पा से, इनके अम्मा से, इनके बहन, इनके भाई, इनके चाचू, इनके दादा बू, सबसे मुझे बहुत प्यार मिला है, मतलब यहाँ पर आके ना एक वो फीलिंग, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मुझे ना ये ना बात मजे की, ये और मरियम इसकी जो बहन है ये ना पबजी खेलते हैं, मरियम तो कुछ ज्यादा ही खेलती है ना, तो ये ना पबजी खेल रहे हैं, तो मेरा भाई तो खेल ही नहीं, मैं वही तो अच्छा, बता रहा हूँ, तो मेरा भाई ना आ गया जनाब, वो उनके साथ खेल रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे अगले दिन ना मेरा भाई बैठा, हम मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मेरी अम्मा बैठी है, मेरी अम्मा के, एक मिनट सफर कर, मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ अपने गेमिंग चैनल पे, तो मैंने उसको ऐड कर लिया गेम खेलने के साथ, क्योंकि इसका भाई मेरा क्लास फेलो रह चुका है, हम लोगों ने कुछ क्लासेस इकट्ठे अटेंड की हुई है, तो ना फिर ना मेरा भाई मेरे पास बैठा, हम नाश्ता करते, मम्मा बैठी, हमें कहती वो ना हम गेम खेल रहे, तो ना मरियम मुझे कहती, मैं मरियम मुझे कहती, इसका भाई ही बोला, मम्मा ने कहाँ बोला, नहीं नहीं मेरे भाई मम्मा को बता रहे, अच्छा अच्छा अच्छा, तो मरियम बोली कि ना जिशान पता नहीं क्या आगे बैठा रहता है, ये नहीं, नहीं, हो नहीं सकता, ऐसा नहीं, 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 क्या बोला मैं, हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग गेम खेल रहे थे, उन्होंने शुगर में, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ ना रियल में बात क्यों हुई थी, हम लोग गेम खेल रहे थे, बता सफर करना, हम लोग गेम खेल रहे थे, इसके भाई मैंने इंट्रोड्यूस कराया मरियम को कि ये सलमान है जिशान का भाई, नहीं 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 उन्होंने कहा ये सलमान है, ये मान भी कहा, नहीं नहीं इसके सलमान ने बोला मुझे मेरा तारुफ करवाऊंगा कि मैं जिशान का छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, क्या भाई है कि मैं सलमान जिशान का ना बड़ा भाई हूँ, तो फिर मरियम थी जिशान हमारा अडॉप्टेड भाई, तो भाई ने मुझे कहते वो मुझे ना मरियम कहती है ना तो सारा दिन हमारे घर ही पड़ा रहता है, वो तो घर से निकाला हुआ है, खाना भी यही पे खाता है, मैंने कहा हो नहीं सकता, कोई कह ही नहीं सकता उनके घर से, वीडियो में बिटना देखा खाओ, वो ना मम्मा को दिखा रहा हूँ, बाकी मैं समझ गई हूँ, अम्मा गौर से सुने, वो ये नहीं कह रही, वो कह रही है कि हमारा अडॉप्टेड भाई है, यानी कि हमारा जो था ना हमारा मेहर गिराने की कोशिश की इसके भाई ने, घटिया नाकाम कोशिश, लेकिन मैंने आंटी की नजरों में हमें गिराने की साजिश की है इसने, बॉलीवुड ड्रामों की तरह आंटी आंटी आगे से, आज की बात तुम उनके घर नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं नहीं मेरी अम्मा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरी अम्मा कहती हूँ क्या ही नहीं सकते ऐसे, ये मेरी अम्मा ने भी सीधा, अच्छा ये मैं, फिर मेरा भाई कहता कि नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, ये मजाक करो, गल सीरियस ही होना चाहिए, मैंने साजिश उसकी पूरी थी, नाजिश बस करो, नाजिश इजाज साहब, खैर फिर इसके जो सुहेल भाई, हम सब उनके साथ काफी अच्छी
हो गई, मतलब इनके घर में सबके साथ ही बहुत अच्छी मेरी अल्लाह का शुक्र है बनी हुई, और इनके साथ भी थोड़ी सी है मजबूरी इसके साथ बस है नहीं। अच्छा और गेन क्या किया तुमने इस चैनल से? कुछ भी नहीं मिला नहीं हो, पैसों और पैसों के लिए नहीं होता वैसे, रियल लाइफ में क्या गेन किया है? मतलब ये खुरक छाड़ दे, मैं रात ही वीडियो वीडियो एडिट कर रहा हूं, पता तू क्या कर रहा है? पीटर बंदा हूं म्यूजिक डाल, टन 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 टन, पता नहीं पेट में क्या लड़वाया हुआ इसने। अच्छा मैंने गेन क्या किया यहां जो मैंने गेन अच्छा क्या गेन किया अपने लाइफ? कॉन्फिडेंस गेन किया है, वो तो बता दिया। अपने चैनल पे इतने सब्सक्राइबर गेन किए, पहले 100 चैनल थे तेरे, 100 सब्सक्राइबर थे। हाँ 100 सब्सक्राइबर थे, मैंने 15-15 करके 350 कर लिए। काम ही ना करता अपने चैनल पे। आइए वीडियो जाओ, पता नहीं आज थोड़ी आती है, थोड़ी 15 दिन पहले आइए वीडियो जाओ। अभी मैंने प्रमोट भी नहीं किया वीडियो पे, सारी घर जाके उसको पिंगल। चलो यार यार काफी अच्छा टाइम गुजर गया, बहुत इमोशनल यादें भी हैं, बहुत सारे बुरे वक्त भी देखे, अच्छे बुरे वक्त भी देखे, अच्छे वक्त भी देखे, ज्यादा बुरे देखे, ज्यादा बुरे देखे, ज्यादा डाउन भी देखे। बीच में एक दफा ना ये क्लीन शेव करा के आ गया था थोड़े दिन के लिए, सवेर आता है थोड़े दिन के लिए क्लीन शेव करा गया था, वो बुरा वक्त भी देखा वो वाकई में बुरा वक्त था वो भाई, मैं गर्लफ्रेंड छोड़ गई इसकी इसको उस वजह से। ये पिज़्ज़ा तुम्हारी है क्या गाना है? बरोबर तुम्हारे है समय का हर जर्रा, बस ये फिजा तुम्हारी है मुझे आती है लाइन। सो गाइज ये थी ऑनेस्ट रिएक्शन पे हमारा रिएक्शन, हमारी जर्नी, हमारी एक साल की, यानी के लास्ट ईयर आज के दिन हमने पहली वीडियो पोस्ट की थी इसके साथ। मैं तो पदाइशी काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, मेरा ये जो सिल्वर प्ले बटन है 10 साल वाले चैनल पे है, फिर उसके बाद 5 साल वाला भी है, 6 साल वाले, ऐसे नहीं छोटे छोटे काके नहीं, पहला बेटा मेरा 10 साल पहले हुआ था, फिर 7 साल पहले एक हुआ है, फिर 3 साल पहले एक हुआ है, फिर ये 2 साल का हो गया है, और जो नया है वो उसको भी 15 दिन हो गए। कान ऐसे लग रहा है मेरे कान ना थोड़ी कम हुआ था, अब हम लोग इतना चीखते हैं ना। So guys, that is, that's it for now. ये भी इसको सिखाया, पहले इसको ये चीजें भी नहीं आती थी, इंग्लिश इंग्लिश कम्स टू इंग्लिश मुझे आती थी लेकिन हाई लेवल वाली आती नहीं, समझ नहीं आती, बिल्कुल ऊपर से गुजर जाती। चल आज तू एंडिंग कर, नहीं मैंने नहीं नहीं तो। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज आवर वीडियो रिएक्शन ऑन ऑनेस्ट रिएक्शन, एंड अगर आप और क्या होता है प्लीज, इफ यू लाइक वॉचिंग आवर वीडियो प्लीज गिव अस अ बिग फैट थम्स अप, इफ यू वॉन्ट टू सजेस्ट समथिंग और यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट देन इन कमेंट सेक्शन बिलो, यू कैन ऑल्सो फॉलो हिम ZWSHUUFM, basically I'm everywhere, TikTok, Instagram, Snapchat. ये सारा इसको मैंने सिखाया है बोल। And you can also find me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, likey, basically I'm everywhere, simply search NABLSHUUUFM and you will find me. You can also click here to subscribe our YouTube channels. After subscribing our YouTube channels, please ring the bell for notification, it can help you to stay active on our YouTube channels. You can also click here to watch our other videos. Stay blessed, stay happy, enjoy your life. Bye, take care. Peace. Over.